सुप्रभात विद्यार्थियों, नवम पाठ है। नवा पाठ आज हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिक्ता सेतु, रेत का पुल, या हम कह सकते हैं बालू का पुल। इसके लेखक सोमदेव हैं। सोमदेव के कथासरित सागर नामक ग्रंथ से यह पाठ लिया गया है। तो सबसे पहले हम पाठ परिचय देखते हैं। प्रस्तुत है नाट्यांश से सोमदेव विरचित हैं कथासरित सागर है इत्यस्य सप्तम अध्याय उपरी आधारितो अस्ति। प्रस्तुत नाट्यांश हैं। प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव विरचिते, सोमदेव द्वारा रचित कथासरित सागर है। कथासरित सागर इत्यस्य सप्तम अध्याय उपरी, इसके सप्तम अध्याय के ऊपर आधारितो अस्ति आधारित है। प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव द्वारा रचित कथासरित सागर के सप्तम अध्याय के ऊपर आधारित है। अस्मिन् नाट्यांशे तपसा विद्यां प्राप्तुं यत्नशीले कश्चित् तपोदत्त नामके कुमारे चित्रित अस्ति। अस्मिन् नाट्यांशे, इस नाट्यांश में तपसा विद्यां प्राप्तुं, तपस्या से विद्या प्राप्त करने के लिए यत्नशील है प्रयत्नशील कश्चित् किसी तपोदत्त नाम के हैं, तपोदत्त नाम के कुम्हार हैं, कुम्हार का चित्रित अस्ति चित्रण किया गया है। इस नाट्यांश में तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील किसी तपोदत्त नाम के कुम्हार का चित्रण किया गया है। तस्से मार्गदर्शनाय पुरुष वेशधारी देवराज इंद्र हैं तत्र आगतवान। तस्से मार्गदर्शनाय, उसके मार्गदर्शन के लिए पुरुष वेशधारी देवराज इंद्र तत्र आगतवान, वहां आए। उसके मार्गदर्शन के लिए पुरुष वेशधारी देवराज इंद्र वहां आए, अर्थात देवराज इंद्र वहां पुरुष का वेश धारण करके आते हैं। तत्र आगत्य देवराजे सिक्ताभि सेतु निर्माणार्थम प्रयतते। तत्र आगत्य, वहाँ आकर देवराज हैं देवराज इंद्र सिक्ता भी बालू से सेतु निर्माणार्थम प्रयत्ते, पुल बनाने का प्रयास करते हैं। वहाँ आकर देवराज इंद्र बालू से पुल बनाने का प्रयास करते हैं। एतद् दृष्ट्वा तपोदत्ते प्रहसन वदति किमर्थम भो बालू का भी जलबंधम निर्मासी। एतद् दृष्ट्वा, यह देखकर तपोदत्त प्रहसन वदति, हंसता हुआ बोलता है। यह देखकर तपोदत्त हंसता हुआ बोलता है, वो किमर्थम, अरे यह क्या हो रहा है, बालू का भी जलबंधम निर्मासी, बालू से पुल बना रहे हो। ततो देवराज प्रति व्यक्ति, तब देवराज इंद्र ने कहा, यत कि अध्ययनम श्रवणम पठनम विना यदि त्वम विद्यां प्राप्तुम शक्नोषि तदा अहम अपि बालू का भी सेतु निर्मातुम कर्तुम शक्नोमि। यदि अध्ययनम अध्ययन श्रवणम श्रवण पठनम पठन के बिना यदि त्वम तुम्हें विद्यां प्राप्तुम शक्नोषि विद्या प्राप्त कर सकते हो तदा तो अहम अपि मैं भी बालू का भी रेत से सेतु निर्मातुम कर्तुम शक्नोमि पुल निर्माण कर सकता हूँ। इसके बाद देवराज इंद्र ने कहा कि यदि अध्ययन श्रवण और पठन के बिना यदि तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो तो मैं भी बालू से पुल निर्माण कर सकता हूँ। देवराजस्य अभिप्रायं ज्ञात्वा तपोदत्त है विद्या प्राप्ति कामे हैं गुरुकुलम गतवान। देवराजस्य अभिप्रायं ज्ञात्वा, देवराज इंद्र का अभिप्राय जानकर, तपोदत्त हैं तपोदत्त विद्या प्राप्ति कामे विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुलम गतवान गुरुकुल गया। देवराज इंद्र का अभिप्राय जानकर तपोदत्त विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल गया। तो ये हमारा पाठ परिचय था कि किस प्रकार तपोदत्त नामक व्यक्ति
बिना अध्ययन के, बिना पठन के तपस्या से विद्या प्राप्त करना चाहता है, तो उसी प्रकार देवराज इंद्र भी बालू से पुल बनाने का प्रयास करते हैं और उनके अभिप्राय को जानकर तपोदत्त नामक व्यक्ति विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल जाता है। शुरू करते हैं पाठ। तते प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्त है। तते उसके बाद प्रविशति प्रवेश करता है, तपस्यारत है तपस्या में लीन, तपोदत्त है तपोदत्त। उसके बाद तपस्या में लीन तपोदत्त प्रवेश करता है। प्रविशति चला जाएगा अंत में अन्वय होकर। उसके बाद तपस्या में लीन तपोदत्त प्रवेश करता है, तपोदत्त है। अब देखिए तपोदत्त क्या कहता है। अहम अस्मि तपोदत्ते, अहम अस्मि तपोदत्ते, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणे क्लेश्यमानो अपि विद्यां न अधीतवान अस्मि। बाल्ये बचपन में पितृचरणे पिताजी के द्वारा या पितृजनों के द्वारा क्लेश्यमानो अपि पीड़ित किया जाता हुआ भी विद्यां न अधीतवान अस्मि, विद्या को प्राप्त नहीं किया हूँ। बचपन में पितृजनों के द्वारा पीड़ित किया जाता हुआ भी विद्या को प्राप्त नहीं किया हूँ। तस्मात् सर्वै कुटुंबीभिः मित्रैः ज्ञातिजनैः च गर्हितो अभवन्। तस्मात् इसलिए सर्वे कुटुंबीभिः सभी परिवार वालों के द्वारा, मित्रैः मित्रों के द्वारा, ज्ञातिजनैः च और बंधु बांधवों के द्वारा गर्हितो अभवन्, अपमानित हुआ हूँ। इसलिए सभी परिवार वालों के द्वारा, मित्रों के द्वारा और बंधु बांधवों के द्वारा अपमानित हुआ हूँ। ऊर्ध्वम निस्वस्य, ऊपर की ओर लंबी सांस लेकर। हा विदे किम इदम मया कृतम, हा विदे अरे भाग्य किम इदम मया कृतम, यह मेरे द्वारा क्या किया गया। किम इदम मया कृतम, यह मेरे द्वारा क्या किया गया। कीदृशी बुद्धि आसी तदा, तदा आ जाएगा पहले अन्वय होके, तदा तब कीदृशी कैसी दुर्बुद्धि आसी, दुर्बुद्धि थी, तब कैसी दुर्बुद्धि थी। एतद अपि न चिंतितम, यह भी नहीं सोचा। एतद अपि न चिंतितम, यह भी नहीं सोचा। देखिए श्लोक आया है, परिधानै अलंकारै भूषितो अपि न शोभते नरो निर्मणि भोगी सभायां यदि वा गृहे। परिधानै अलंकारै भूषितो अपि न शोभते, ये वाला वाक्य जाएगा नीचे और जो दूसरा वाक्य है वो आ जाएगा ऊपर। नरो निर्मणि भोगी सभायां यदि वा गृहे, मनुष्य मणिहीन सांप की तरह सभा में अथवा घर में, परिधानै अलंकारै भूषितो अपि, वस्त्रों से और आभूषणों से सुशोभित होता हुआ भी न शोभते, सुशोभित नहीं होता है। मनुष्य मणिहीन सांप की तरह सभा में अथवा घर में वस्त्रों से और आभूषणों से सुशोभित होता हुआ भी सुशोभित नहीं होता है। अर्थात मनुष्य सुशोभित किससे होता है, मनुष्य सुशोभित होता है अपने ज्ञान से। किंचित विमृश्य, कुछ सोचकर, किंचित विमृश्य कुछ सोचकर, भवतु किम एतन, भवतु ठीक है, किम एतेन इससे क्या। दिवसे मार्ग भ्रांते संध्याम यावत यदि गृहम उपेति तद अपि वरम। दिवसे दिन में मार्ग भ्रांते रास्ते से भटका हुआ संध्याम यावत यदि शाम को गृहम उपेति घर जाता है तद अपि वरम तो भी अच्छा। दिन में रास्ते से भटका हुआ यदि शाम को घर जाता है तो भी अच्छा, वरम होता है अच्छा। न असौ भ्रांतो मन्यते, उसको भटका हुआ नहीं मानते हैं। न असौ भ्रांतो मन्यते, उसको भटका हुआ नहीं मानते हैं। अतो अहम इदानीम तपश्चर्या विद्यां प्राप्तुम प्रवर्तो अस्मि। अतो अहम, अतः प्लस अहम उत्वसंधि, अतः इसलिए अहम मैं
इदानीम अब तपश्चर्या तपस्या के द्वारा विद्याम अवाप्तुम विद्या को प्राप्त करने में प्रवर्तो अस्मि लगा हुआ हूँ। इसलिए मैं अब तपस्या के द्वारा विद्या को प्राप्त करने में लगा हुआ हूँ। जलोच्छलन ध्वनि सूर्यते, जल के उछलने की आवाज़ सुनाई देती है। जलोच्छलन ध्वनि सूर्यते, जल के उछलने की आवाज़ सुनाई देती है। अये कुतो अयम कल्लोच्छलन ध्वनि, अरे यह तरंगों के उछलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। अरे यह तरंगों के उछलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। महामत्स्यो मकरो वा भवेत, महामत्स्यो महान मछली, मकरो वा भवेत अथवा मगरमच्छ होना चाहिए, महान मछली अथवा मगरमच्छ होना चाहिए। पश्यामि तावत तो देखता हूँ, पश्यामि तावत तो देखता हूँ। तो विद्यार्थियों आज हम इतना ही भावार्थ करेंगे, इससे आगे का भावार्थ हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। धन्यवाद।